हैदराबाद के महाराजा की पोती से संजय दत्त ने की थी दूसरी शादी। जेल में शुरू हुआ था रोमांस। संजय दत्त 29 जुलाई को अपना 60वां बर्थडे सेलिब्रेट करने जा रहे हैं। ऐसे आपको हम संजय की दूसरी पत्नी के बारे में बताते हैं, जिसके बारे में कम लोग ही जानते होंगे। संजय की पहली शादी एक्ट्रेस ऋचा शर्मा से 1987 में हुई थी। ऋचा ने शादी के बाद बॉलीवुड इंडस्ट्री छोड़ दी थी। ऋचा और संजय की एक बेटी त्रिशाला भी है, जो यूएस में रहती है। ऋचा को कैंसर था, जिससे 1996 में उनका निधन हो गया था। ऋचा के निधन के बाद संजय की जिंदगी में मॉडल और सोशलाइट रिया पिल्लई आईं। संजय दत्त और रिया पहले से ही दोस्त थे। उनका प्यार तब परवान चढ़ा जब मुंबई ब्लास्ट केस में संजय को जेल जाना पड़ा। उस समय एक रिया ही थी जो हर पल संजय के साथ खड़ी रही। रिया हैदराबाद के महाराजा नरसिंह गिर धनराज गिर ज्ञान बहादुर की पोती हैं। रिया की नानी जुबैदा खुद एक फिल्म एक्ट्रेस थी। रिया के पिता का नाम रेमंड पिल्लई और माँ का नाम दुरेश्वर धनराज गिर है। संजय के जेल में रहने के दौरान उनकी नजदीकियाँ बढ़ी। रिया जेल में उनसे मिलने जाया करती थी। संजय ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था, मुझे रिया से तब प्यार हुआ जब मैं जेल में था। जेल से बाहर आने के बाद वैलेंटाइन डे की पार्टी में संजय ने रिया को शादी के लिए प्रपोज किया। इसके बाद दोनों साईं बाबा के मंदिर गए और वहां पुजारी ने उनकी शादी करवा दी। शादी के बाद संजय दत्त ने 7 फिल्में साइन की और अपनी शूटिंग में बिजी हो गए। इसके चलते वो रिया को टाइम नहीं दे पाते थे। एक इंटरव्यू में संजय दत्त ने खुद ये बात कबूली थी कि शूटिंग के चलते उनकी पर्सनल लाइफ खत्म हो चुकी है, लेकिन सच कुछ और ही था। संजय उस समय मान्यता के करीब आ गए थे और रिया टेनिस प्लेयर लिएंडर पेस को डेट करने लगी थी। रिया एक मॉडल के साथ आर्ट ऑफ लिविंग की इंस्ट्रक्टर भी थी। शादी के एक साल बाद ही दोनों के बीच क्लैश होने लगे थे। दोनों अलग रहते थे। डिवोर्स का केस फाइल हो गया था। रिया लिएंडर को डेट कर रही थी, लेकिन अपनी शादी टूटने का जिम्मेदार संजय को ठहराया। संजय लोगों की नजरों में विलेन बन गए थे। डिवोर्स के बाद संजय ने मान्यता से शादी कर ली और रिया लिएंडर पेस के साथ रहने लगी। साल 2008 में रिया और संजय दत्त का तलाक हो गया था। रिया ने अपनी शादी के बारे में किसी को कुछ नहीं बताया और एक बेटी हयाना भी हो गई। कुछ समय बाद रिया ने लिएंडर पर मारपीट का केस दर्ज कराया। तब लिएंडर ने कोर्ट में बताया था कि उनकी और रिया की शादी कभी नहीं हुई। वो रिया के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे थे। वहीं रिया का कहना था कि लिएंडर उन्हें पहले दिन से धोखा दे रहे थे। फिलहाल लिएंडर और रिया अलग हो चुके हैं।